ऐसा इंसान जो पुलिस और मिलिट्री को अपनी उंगलियों पर नचाता है, लेकिन आज मैं इसको कैसे भी करके खत्म करने वाला हूँ। लेकिन इसके पास है सबसे ज्यादा पावरफुल व्हीकल्स, मिलिट्री टैंक्स, मिलिट्री सोल्जर्स और सबसे खतरनाक सिक्योरिटी। और इसको खत्म करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, और मेन चीज हम इसे मारेंगे कैसे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बढ़िया सा गेम पैक देने वाला हूँ, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब सबसे बड़ी बात, आखिर वो इंसान है कौन, तो उसका नाम है डगन बॉस। इसे मारना क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। ये काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और धीरे धीरे करके इसका सब कुछ अच्छा चलने लगा और बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन अचानक उसकी जितनी भी सारी की सारी कंपनी थी ना, उन सभी में आग लगा दी और सब कुछ तबाह हो गया उसका, और इसके साथ जितने भी फ्रेंड्स आए थे उनकी डेथ भी हो गई। तब से उसने ठान लिया कि वो अब इस सिटी का सबसे खतरनाक माफिया बन के रहेगा। लेकिन अभी के टाइम पर वो काफी गलत काम कर रहा है और इसी वजह से हमें उसे खत्म करना है। अब गाइस, हम उसे मार तो देंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि उसके पास है सबसे पावरफुल व्हीकल और मिलिट्री और पुलिस की सिक्योरिटी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनसे फाइट करने के लिए कोई मामूली व्हीकल नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे ज्यादा पावरफुल व्हीकल जो कि हमें किसी भी हालत में फाइट में जिता दे और हम डगन बॉस को भी खत्म कर दें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, तो चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि कहीं से कोई ना कोई पावरफुल व्हीकल का जुगाड़ हो जाए। ऑलराइट, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने ये बोला कि ये इम्पॉसिबल है और बिना पावरफुल व्हीकल के लड़ना, ये समझो अपनी मौत पक्की है। गाइस, किसकी कॉल आई है अभी मेरे पास? आई होप कोई ना कोई गुड न्यूज हो, पता नहीं किसकी कॉल आई है। तो गाइस, फाइनली एक व्हीकल मिल चुका है, लेकिन उस व्हीकल को लेने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। अभी हमारे पास केवल और केवल शाम तक का टाइम है, हमें फटाफट से करना क्या है, पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचना है। लेकिन गाइस, व्हीकल का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन अपनी आर्मर और गन का क्या होगा? अपने लोग को मामूली गन नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है, और उनसे लड़ने के लिए हमें चाहिए पावरफुल वेपन्स और सबसे खतरनाक तगड़ा आर्मर। चलो अम्यूनिशन चलते हैं और वहां पर चेक करते हैं, आई होप वहां पर मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्योंकि व्हीकल का क्या फायदा। गाइस, अभी पहुंच तो चुका हूं, आई होप बस मिल जाए, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है तगड़े वेपन्स और पावरफुल आर्मर का मिलना। लेट्स गो, बात करते हैं इस बंदे से और देखते हैं कि क्या इसके पास है या नहीं। सो गाइस, जो सोचा था वही हुआ कि इसके पास वो वेपन्स और आर्मर ही नहीं है। अब मैं उस पावरफुल व्हीकल का करूंगा क्या, जब मेरे पास फाइट करने के लिए कोई वेपन ही नहीं है, ना ही कोई आर्मर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होगा, मेरे को तो भाई बहुत मुश्किल लग रहा है डगन बॉस को मारना। चलो चलते हैं, अभी फटाफट से शाम भी हो चुकी है, फटाफट से निकलते हैं पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि पावरफुल व्हीकल वहां पर निकलने वाला है। सो गाइस, अभी मैं पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुका हूं और अब होने वाला है खेल शुरू। अभी 5 मिनट के अंदर वो पावरफुल व्हीकल निकलेगा पुलिस स्टेशन से बाहर, और उसी पावरफुल व्हीकल का यूज करेंगे डगन बॉस को खत्म करने के लिए। लेकिन वो सब तो ठीक है, इस पावरफुल व्हीकल को पुलिस वगैरह से लेंगे कैसे? वो फाइनली आ गया, आ गया। लेकिन ये क्या, इसके साथ सिक्योरिटी भी है। शिट यार, दो इस पावरफुल व्हीकल को लेना और भी ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पावरफुल व्हीकल को कैसे लूंगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ ना मैं, कि ये जो पीछे वाली जो कार है ना, इनको ब्लास्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो सामने वाले जो है ना वो टैंक, उसको मैं इजीली ले लूंगा। अभी फटाफट से भागते चलता पूरी फुल स्पीड में और सीधा मैं रेडी हो जाता हूँ आगे जाकर, आरपीजी पकड़ लूंगा हाथ में, और जैसे ही आएंगे ना सीधा ब्लास्ट कर दूंगा पीछे की दो कारें, और फाइटिंग फिर खतरनाक वाला सीन होने वाला है। पता नहीं बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे, कुछ भी नहीं पता। और जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं आरपीजी यहाँ पर। चलो गाइस, फाइनली यहाँ पीछे की तरफ चलते हैं और एमपीएससी की तहसील, निकलो बेटा यहाँ से। ओहो, यहाँ पे मिलिट्री वाले सारे के सारे बाहर निकल गए, और भाई यहाँ पर ही पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है इनको। बेटा तुम बचोगे नहीं, और वैसे मेरी हेल्थ कम है। अरे मरा 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 मरा, रुको पहले हीलिंग करनी चाहिए। ये यहीं पर ही थे ना, आ जाओ बेटा यहाँ पर छुप के कर क्या रहे हो तुम, निकलो बेटा यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तहसील। चलो गाइस, अभी बैठते हैं फटाफट से इस पावरफुल व्हीकल के अंदर। फाइनली अपने को मिल चुका है पावरफुल व्हीकल, कितनी खुशी की बात है। ओहो, अरे नहीं 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 नहीं, तो चलो अब टाइम आ चुका है डगन बॉस को खत्म करने का। ओ नहीं, अबे मेरी सुप्रा, मेरी प्यारी सुप्रा को कोई चुरा कर लेकर गया है, इसकी ऐसी की तैसी इसने मेरी कार में आग लगाई कैसे। ओ भाई साहब, इसने ब्लास्ट कर दी क्या यार, कितना बुरा लग रहा है कसम से। यहाँ पर मेरी प्यारी सुप्रा, इस बंदे भाई कौन बंदा था वो। चलो कोई बात नहीं, अपने पास टैंक तो आ गया ना फाइनली, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं सीधा जहाँ पर उसका पूरा का पूरा बेस है डगन बॉस का। अभी मैं पहुंच चुका हूँ सीधा उसके बेस के सामने, और बगल की तरफ देखो यहाँ पर ये टैंक खड़े हुए हैं, तीन तीन चार चार। तो अगर ये समझ लो, अगर मैंने एक गलत स्टेप भी उठाया ना, तो मेरी मौत पक्की यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर एक टैंक वाला जा रहा है, जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है गन पकड़ के, शायद मिनी गन थी वो। आर्मी के व्हीकल खड़े हुए हैं और पावरफुल व्हीकल भाई साहब, जिसके 8-8 टायर हैं, और उनके ऊपर भी बंदे गन पकड़े हुए बैठे हुए हैं। अगर डगन बॉस को मारना है तो इस मिलिट्री एरिया के अंदर घुसना पड़ेगा, लेकिन इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के सामने अंदर घुसना इम्पॉसिबल है। तो करूँ क्या फिर मैं, अंदर तो घुसना पड़ेगा कैसे भी करके, यही तो दिक्कत है। कि यहाँ पर मैंने पूरे मिलिट्री एरिया ग्राउंड लगा लिया, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला।
अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, जो है सीधा फाइटिंग करके सामने से घुसना पड़ेगा और डगन बॉस को खत्म करना। अब गाइस होने वाला असली खेल शुरू। अबे पीछे से ये फायरिंग और कर रहा है हेलीकॉप्टर से। अभी मैं भाई साहब इनके सारे के सारे जितने भी टैंक वैंक भरे पड़े ना आगे दिख रहा हूँ, इतने सारे हेलीकॉप्टर। भाई इनकी सिक्योरिटी काफी तगड़ी है और इस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास मिलिट्री के बंदे काफी तगड़े होंगे। पैन इनके ऐसे की जैसे सारे के सारे इनके जितने भी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है ना सब ब्लास्ट करो। यहाँ पर मैंने पूरा आसमान काला काला कर दिया। अब और डगन बॉस को देखते हैं वो है कहाँ पर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल सीक्रेटली अंदर की तरफ और यहाँ पर मैंने गोल्डन गन निकाल ली है। अभी फटाफट से बैठ जाते हैं टैंक के अंदर। सामने की तरफ परेड वगैरह चल रही है मिलिट्री वालों की, उनकी परेड भी बंद हो गई सारी की सारी। आखिर ये डगन बॉस है कहाँ पर? सामने की तरफ परेड हो रही थी, सभी को खत्म करो यहाँ पे, इसको भी उड़ाओ, इसकी ऐसी की तैसी, सारे के सारे चितड़े उड़ जाने चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये डगन बॉस है कहाँ पर। उसको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है बाहर, तो उसको भाग जाना चाहिए। भाई मेरे को क्या लग रहा है कि वो डगन बॉस भाग जाएगा अगर मैंने उसको जल्दी नहीं ढूंढा। भाई पक्का लग रहा है मेरे को। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ डगन बॉस को देखा, लेकिन एक सेकंड, अबे तेरी ये आरपीजी वाला क्या पागल बंदा है, मेरे ऊपर ही छोड़ रहा है। वो छोड़ेगा ही वैसे, मिलिट्री वाला है और मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है। इनकी ऐसी तैसी, सबसे पहले इनको खत्म करो और मेरी हेल्थ देखो कितनी कम है। मैं भाई साहब अगर एक गोली और पड़ी ना सीधा मैं मरूंगा। डगन बॉस गया भाड़ में। रुको पहले हीलिंग कर लेते हैं, पहले हेल्थ बढ़ाते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने हेल्थ बढ़ा लिया और यहीं पर ही मैंने डगन बॉस को देखा था, वो यहीं से बाहर निकल रहा था और यहाँ पर ये भाग रहा है। रुको रुको इसको पकड़ना पड़ेगा, ये भाग चुका है यहाँ से। अबे तेरी वो भाग गया भाई, अब जल्दी से बाइक के अंदर बैठ, फटाफट से भागो यहाँ से। अगर वो एक बार मेरे हाथ से छूट गया ना तो पक्का भाई मैं मारा कसम से। मिलिट्री वाला टैंक वाला ये भी यहीं पर ही आना था, इसको पागल है क्या? ये देखो सामने अब सारे के सारे आएंगे टैंक, तब कोई नहीं आ रहा था, तब केवल और केवल बंदे आ रहे थे। लेकिन चलो किसी भी हालत में पकड़ के रहूंगा भाई, मेरे को लग रहा है वो पक्का भाग चुका होगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, बेटा जल्दी भाग ले सीधे, जल्दी हाथ पैर चला ले। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, इसकी ऐसी की तैसी, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये भागना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। डगन बॉस बेटा आज तू बचेगा नहीं, मतलब इसकी पावर देख रहा हूँ, मिलिट्री वाला इसके अंडर में काम कर रहा है, शूटिंग कर रहा है इसके पीछे बैठ के। भगा ली उसने, मैं बेटा गया, टायर पंचर है मेरा। अरे यार टायर पंचर है तो और धीरे चलेगी मेरी बाइक। भाई यार पकड़ में आ जाना तू यार, क्यों यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ। ओहो पास आ गया पास आ गया। अरे अरे अभी देखा था मैंने। अरे रुको 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 यार, वो अच्छा वो रहा, मिल गया मिल गया मिल गया फाइनली। इसकी ऐसे की तैसी बेटा तू कहाँ तक भागेगा। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। ओह उसका एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया बेटा, और तेज भगा ले अब तू बेटा गया मेरे हाथों से, तेरी ऐसी की तैसी, बाइक से उतरो। भाई भाग रहा है, एक काम करता हूँ आज मैं इसको बेसबॉल बैट से इसका खात्मा करूंगा। बेटा डगन बॉस तू भी क्या याद रखेगा कि हाँ भाई ये कौशल नाम का एक बंदा था जिसने मेरे को मारा था। अबे तेरी इसके भाई सब देख लो, पब्लिक इसको सपोर्ट कर रही है, भाई क्या बंदा है ये, पब्लिक वाले इसको जानते हैं डगन बॉस को। मैं तो समझ रहा था कि भाई ये कोई मामूली बंदा है, भाई इसको मार रहा बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी ऐसी की तैसी, बेसबॉल बैट निकालो, इसको मैं बल्ले से ही मारूंगा भाई, कितनी भी पब्लिक आ जाए। लेकिन हाँ पब्लिक भी मेरे को खत्म कर सकती है। बेटा अब तो तू गया, तू बेटा गया, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं यहीं पर ही पटक पटक के मारूंगा। हो फाइनली गाइस यहाँ पर अपने लोगों ने डगन बॉस का खात्मा कर दिया है। ओ नहीं डगन बॉस को तो मारा ही मारा, और ये कौन पागल था मेरे को भी मार दिया। नहीं 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 यार ऐसा नहीं होना था, लेकिन हमारा मेन टारगेट डगन बॉस को तो मार दिया ना हमने। चलो फाइनली तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और भी बढ़िया बढ़िया अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।